हेम एमसीक्यूज है पास पेपर की, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कलेक्टिवली इज यूनिटी, व्हेन कंसंट्रेशन ईच ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, एक में था बोथ एन पे, एक में था नॉन ऑफ दिस। तो देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या? देखो ए और बी मिलते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट, ए और बी तो कंसंट्रेशन मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो जी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसका फार्मूला होता है के इक्वल टू ए बी, ए बी से मेरा जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ब्रैकेट में लिखते हैं, के कहलाता है रेट कॉन्स्टेंट। अब रेट कॉन्स्टेंट के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर के की वैल्यू वन हो, क्या हो, वन, तो फिर इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट। के की वैल्यू जब वन हो तो ये क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट। तो मेरे भाई के की वैल्यू वन स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, यहाँ ये पूछ रहे हैं जब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाए, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और के आपस में इक्वल हो जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए और बी की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो, वन की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब है।